सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज एक हम वन प्लस की बुलेट वायरलेस 3 के अनबॉक्सिंग्स करने वाले हैं। नॉट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट ये, जैसे कि मैंने देखा, आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से मैंने इसे परचेस किया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, डायरेक्टली जस्ट आपको ये इस तरह से एक हेडफोन्स मिल जाती है, नेक बैंड सॉरी, एंड यहाँ पे एक आपको टाइप नॉर्मल बी की जो है एक चार्जिंग केबल्स मिल जाती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी की टोटली यहाँ पे रिव्यूज़ देने वाला हूँ, जो कि ये मुझे कैसी लगी। यहाँ पे अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूँ तो एक सॉफ्ट सिलिकॉन टाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंडेबल है। इसको आप किसी भी एंगल में बैंड कर सकते हैं, अपने गले में एक्सेट्रा में कहीं पर भी आसानी से जो इसको फिट कर सकते हैं। ये काफ़ी बैंडेबल है एंड सॉफ्ट है। वहीं पे इसके कंट्रोलिंग एक्सेट्रा की मैं बात करूं तो वहीं पे आपको एक साइड में जो कि आपके लेफ्ट साइड पड़ेगी, वहां पे आपको एक पावर ऑन बटन प्लस माइनस बटन मिल जाती है, एक माइक मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके भी इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है चार्जिंग की आपको एक केबल मिल जाती है जिसके थ्रू आपको इसको चार्ज करना पड़ता है या फिर चार्ज कर सकते हैं। दूसरे साइड में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलती है, जस्ट यहाँ पे वन प्लस की एक इंडिकेशन जो है यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसे पावर एंड इसके जो साउंड क्वालिटी एक्सेट्रा सारे चीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँगा। मैग्नेटिक के यहाँ मैं बात करूँ तो काफ़ी मैग्नेटिक जो है क्वाइट गुड है, अच्छा खासा यहाँ पे है। एंड इसकी जो पावर ऑन करने का प्रोसेस है, जस्ट आपको नॉर्मली यहाँ पावर ऑन पे आपको जस्ट क्लिक करना है एंड देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये ऑन हो गई है। इसे पेयरिंग करना भी काफ़ी जो देखा मैंने वो सिंपल सा था, जस्ट आपके जो फ़ोन है जहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ हो वहाँ पे इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें सर्च में आपको बीटी म्यूज़िक करके आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटी म्यूज़िक ऊपर में ही है। सो नॉर्मली इसे वन पर टैप करना है एंड ये कनेक्टेड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉपीराइट्स में फ्री कॉपीराइट्स म्यूजिक जो है प्ले करते हैं। इसके साउंड क्वालिटी के बारे में आपसे शेयर करूँगा। तो देखिए, यहाँ से तो आपको साउंड सुनाना उतना पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सामने लाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो। सो साउंड क्वालिटी की एक्सेट्रा मैं बात करूं तो क्वाइट गुड है। जहां पे मैंने इसको अभी तकरीबन जो है 6-7 दिन से इसे यूज़ कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग लगी है इसकी। एंड पावर एंड फंक्शंस की मैं बात कर लूं तो यहां पे जो नॉर्मल हमारे जिस तरह के नेक बैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी पावर पावर बटन है, इसे वन टाइम पे टैप करते हैं तो ये पॉज होती है एंड वन टाइम पे ही ये प्ले हो जाती है, ठीक है। प्लस से आप यहाँ पे फॉरवर्ड जा सकते हैं, माइनस से यहाँ पे बैकवर्ड आ सकते हैं, एंड लॉन्ग प्रेस करके रखने से यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। तो इस तरह से इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग फंक्शंस के लिए। ओवर द कॉल की अगर ड्यूरेशंस की मैं बात करूँ तो कॉल करते वक्त जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे डबल टैप करना है, रीडायल हो जाती है, एंड आपको यहाँ से कॉल को डिसकनेक्ट कनेक्ट करना जो है इजीली है। यहीं से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी यहाँ पे क्वाइट गुड है, ड्यूरिंग द कॉल भी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, साउंड जो है उतना बुरा नहीं है। एंड म्यूज़िक के दौरान तो ऑब्वियसली जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस प्राइस रेंज में, जहाँ पे अंडर आपको 400-500 के अंडर में इस तरह की कोई अगर नेक बैंड मिल जाती है इस तरह की फैसिलिटी के साथ, सो क्वाइट गुड है मेरे ख्याल से। एंड जो ये यहाँ पे अगर आप इसको परचेस करते हैं तो देख सकते हैं वन प्लस बुलेट वायरलेस 3 लिखी हुई रहती है नेवर सेटलर वन प्लस की। बट हाँ, ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट तो नहीं है जैसा कि मुझे लगा था वहाँ पे कि इतनी कम प्राइस पे कैसे दे रही है। सो मैंने इसको परचेस किया था एंड इसके ऑल ओवर जो है यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इस प्राइस रेंज में मैं कहूँ तो ये ठीक ठाक है, यूज़ करने के लिए जो है काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी एक्सेट्रा जो है वो मिल जा रही है। चार्जिंग एंड बैकअप की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे इसको फर्स्ट टाइम पे फुल्ली चार्ज करने में, एंड जो है मुझे ये लगभग जो है 7 घंटे से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप इसमें मुझे इजीली मिल गया था। जैसा कि मेरा नॉर्मल टिपिकल यूज़ होता है, सबके यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, सो यूज़ के ऊपर भी ये मैटर डिपेंड करती है। बट ये जो है मुझे 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप दी एंड काफ़ी अच्छा रहा। म्यूज़िक के दौरान जो है और थोड़ा लंबा जो है बैटरी बैकअप दिया है, म्यूज़िक के दौरान जो है इसको आप नॉर्मली अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो काफ़ी लंबा जाता है, एंड मेमोरी कार्ड के थ्रू अगर आप इसमें म्यूज़िक लिसनिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। हालांकि मेमोरी के थ्रू मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसे मैंने जस्ट इसको इसमें प्लग इन किया एंड ये ब्लूटूथ मोड एंड जो है डायरेक्ट आपका एसडी कार्ड मोड एक्सेट्रा जो है वो ऑन हो जाती है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। लाइक जैसे आप इसमें मेमोरी इंसर्ट करेंगे ये ऑटो उसको डिटेक्ट कर देगी एंड प्ले सॉन्ग स्टार्ट हो जाती है।
तो यही थे इसके ऑल ओवर रिव्यूज़। सो मुझे ये प्रोडक्ट जो है कहूँ तो इस प्राइस रेंज में अच्छी लगी। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा किसी भी टाइप्स के आपके अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।